के अनेक कवियों ने कर्ण के बारे में महादानी कर्ण, महावीर कर्ण, अतिरथी कर्ण करके अनेक कर्ण के संबंध में लिखा है, लोगों ने, विद्वानों ने लिखा है। कर्ण निश्चित एक बहुत श्रेष्ठ व्यक्तित्व था, इसमें कोई संदेह नहीं है। और आप इसी से विचार कर लीजिए कि जब युधिष्ठिर को यह ज्ञात हुआ कि कर्ण मेरा बड़ा भाई था, तो महाभारत में लिखा है कि युधिष्ठिर मूर्छित होकर के गिर गए और उन्होंने कहा, माँ यह बात तुमने पहले बता दी होती तो ये युद्ध नहीं होता। मेरा भाई दुर्योधन कर्ण के बल पर ही तो कूदता था, उछलता था, यदि कर्ण मेरा बड़ा भाई यह पता चल जाता तो मैं तो उसके चरणों का सेवक बन जाता। माता मेरी क्रोध भरी दृष्टि को देख करके त्रिभुवन में कोई ऐसा नहीं है जो सामने स्थित हो सके, वह भस्म हो जाता। और वही क्रोध मेरा कर्ण के प्रति रहता था, क्योंकि मेरे मन में यह बात आती थी कि इस भयंकर विनाश का बीज कर्ण है, इसलिए मुझे बहुत क्रोध कर्ण के प्रति होता था। लेकिन युद्ध के मैदान में मेरी दृष्टि जैसे ही कर्ण के पैरों की ओर पड़ती थी, मेरा क्रोध शांत हो जाता था। मुझे कर्ण के पैरों में अपनी माता कुंती के चरणों का दर्शन होता था, लगता था ये कुंती के चरण हैं और मुझे प्रणाम करने का मन होता था, उसी समय मेरा क्रोध शांत हो जाता था। अन्यथा कर्ण तो मेरी दृष्टि से ही जलकर भस्म हो जाता। कर्ण का व्यक्तित्व बहुत ऊंचा है, कर्ण ब्राह्मणों का भक्त है, कर्ण सूर्य का भक्त है, कर्ण गायों का भक्त है, कर्ण महात्माओं का आदर करने वाला है। कर्ण के जीवन के सबसे बड़े दो दोष, पहला उसका भयंकर दोष, उसने अधर्मी का पक्षपात किया। पाप कोई व्यक्ति नहीं करता है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन पाप स्वयं नहीं करता, पर किसी पापी के पाप का समर्थन करता है अथवा पापी का समर्थन करता है, अधर्मी का समर्थन करता है, तो शास्त्र की दृष्टि से उसे समान पापी माना गया है। पूरे महाभारत को उठाकर देख लीजिए, कर्ण ने कहीं सच्ची सलाह दुर्योधन को नहीं दी। मित्र का धर्म क्या है? कुपथ निवार सुपंथ चलावा, गुण प्रगटे अवगुण ही दुरावा। बस केवल इस बात को उसने अपने मन में रखा कि मेरा कोई सम्मान करने वाला नहीं था, और अस्त्र कौशल प्रदर्शित करते समय केवल और केवल दुर्योधन ने मुझे सम्मान दिया, मुझे राजा बना दिया, इसलिए मैं इसके प्रति कृतज्ञ हूँ। ये बुरा करे तो अच्छा और अच्छा करे तो अच्छा, यह एक बहुत बड़ा दोष है। अपने किसी भी स्वार्थ की पूर्ति के लिए न तो अधर्मी का पक्ष लेना चाहिए, ना ही अधर्मी का समर्थन करना चाहिए। अधर्मी का समर्थन करने वाला भी उसी पाप का भाजन बनता है। एक दोष उसका यह था। इससे भी भयंकर दोष कर्ण का यह था कि कर्ण ने महान पतिव्रता सती साध्वी द्रौपदी को भरी सभा में दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए वेश्या कहा। इस सबसे बड़ी कर्ण के जीवन की भूल थी। कर्ण ने कहा, जिसमें दुर्योधन ने कहा कि पांच पुरुषों की स्त्री है, इसकी क्या लज्जा, इसकी क्या लोकलाज, इसे निर्वस्त्र करके दुशासन मेरी जंघा पर बिठा दो, मेरी बाई जंघा पर बिठा दो। उस समय कर्ण ने कहा था कि ठीक कहते हो मित्र, यह तो पांच पुरुषों की स्त्री वेश्या के तुल्य है। इसी अपराध के कारण भगवान श्री कृष्ण रुष्ट थे और कहा, अब यह धर्म की डीग हांक रहा, उस समय इसका धर्म कहाँ चला गया था, मार दो, इसके मरने का समय यही है। और अर्जुन ने भगवान की आज्ञा कर आज्ञा पालन करके कर्ण का वध किया। भक्त का तिरस्कार,
संत का तिरस्कार, किसी पतिव्रता नारी का तिरस्कार और अधर्मी का पक्षपात, ये दो दोष ऐसे हैं। अधर्मियों के बीच में बैठना, कुसंग में बैठना, ये दो दोष ऐसे हैं कि व्यक्ति में सारे सद्गुण हों और ये दो दोष यदि उसमें आ जाएं तो उसके सारे सद्गुण व्यर्थ हो जाते हैं। ये कर्ण का वृत्तांत सुनाया गया। और महाराज साक्षात बृहस्पति जी महाराज श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। साक्षात श्री बृहस्पति जी महाराज एक महान गोभक्त महापुरुष पधारे हैं, हम सादर उनका अभिनंदन अभिवादन करते हैं। कुर्सी इधर लगा दें इसके पास में और उनको बिठा। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो साक्षात बृहस्पति ही गुरु द्रोणाचार्य के रूप में प्रकट हुए। एक समय की बात है, महर्षि भरद्वाज हरिद्वार में तप कर रहे थे। उनके तीव्र तप को देख करके देवताओं के मन में भय हो गया और उन्होंने एक घृताची नामक अप्सरा को भेज दिया। अप्सरा भी स्नान कर रही थी गंगा जी में। उसी समय दैवेच्छा से महर्षि का अमोघ तेज स्खलित हुआ और यज्ञ का जो द्रोण नामक पात्र है उस पात्र में उन्होंने अपना तेज स्थापित किया और उस यज्ञ पात्र से ही एक तपे हुए स्वर्ण की अंग कांति के समान बालक प्रकट हो गया। ये हैं अयोनिज गुरु द्रोणाचार्य। ये साक्षात देवगुरु बृहस्पति ही द्रोणाचार्य के रूप में प्रकट हुए। मूर्तिमान धनुर्वेद ही द्रोणाचार्य के रूप में प्रकट हुआ। बोलो श्री द्रोणाचार्य जी महाराज की जय। गौतम गोत्रीय एक शरदवान नामक महान ऋषि थे। वह कठोर तपस्वी थे और महान ब्रह्मचारी थे, महान योगी थे, अस्त्र शस्त्र में बड़े निपुण थे, धनुर्विद्या में वे बड़े निपुण थे। उन्होंने एक बार अस्त्र शस्त्र में इतनी कुशलता प्राप्त कर ली कि उनके ब्रह्मतेज को देख करके, उनके अस्त्र कौशल को देख करके इंद्र के मन में भी भय हो गया और इंद्र ने अप्सरा और कामदेव को भेजा और उसी समय आपका अमोघ तेज स्खलित हुआ। आपको इसका ज्ञान भी नहीं था और कृष्ण मृग चर्म पर स्खलित हुआ, उसके दो भाग हुए और एक भाग से एक बालक उत्पन्न हो गया, एक बालिका। बालक जो उत्पन्न हुआ वे ही आगे चलकर महर्षि कृपाचार्य हुए, जो कौरवों पांडवों के कुलगुरु हुए। आज भी कृपाचार्य जी जीवित हैं, शरीर से विराजमान हैं कृपाचार्य जी आज भी, क्योंकि सप्त चिरजीवियों में उनका नाम है, अष्ट चिरजीवियों में उनका नाम है। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमास विभीषणः कृपः परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविनः सप्तैतान संस्मरे नित्यं मार्कण्डे मथाष्टमं जीवेत वर्ष शतम सोपि सर्वव्याध विवर्जितः। बीच में धनुष तरकस और धनुष पड़ा हुआ है और मृगचर्म के मध्य में, और एक ओर मृगचर्म पर ही बालक खेल रहा है, दूसरी तरफ एक बालिका खेल रही है। महर्षि तो अपने तप में विघ्न मानकर वहां से चले गए और महाराज उसी समय जो है महाराज शांतनु, प्रतीप के पुत्र महाराज शांतनु पितामह भीष्म के पिता, जंगल में मृगयार्थ आए थे। उन्होंने कमंडलु देखा, काला मृगचर्म देखा, तरकस युक्त धनुष देखा और इस बालक बालिका को देखा तो वे समझ गए कि किसी महान ब्रह्मतेज से संपन्न ऋषि का यह पुत्र पुत्री है, अयोनिज पुत्र पुत्री हैं। आपने कृपा पूर्वक उनका पालन किया
इसलिए बालक का नाम रखा कृप और कन्या का नाम रखा कृपी। बाद में महर्षि गौतम ने आकर प्रमाणित किया कि मेरे ही गोत्र में महर्षि शरदवान के पुत्र और पुत्री हैं, आपने प्रेम से उनका पालन किया, कृपाचार्य को अपने कुलगुरु के रूप में, पुरोहित के रूप में उन्होंने प्रतिष्ठित किया और कृपी कन्या का विवाह द्रोणाचार्य जी के साथ कर दिया। इस कृपी कन्या के गर्भ से ही साक्षात अश्वत्थामा का जन्म हुआ। यह अश्वत्थामा भगवान शंकर का ही अंश है, रुद्रांश है। अश्वत्थामा अश्वत्थामा वह द्रोण से उत्पन्न हुआ। धृष्टद्युम्न साक्षात अग्नि के अंश हैं, अग्नि ही धृष्टद्युम्न के रूप में प्रकट हुए। इस प्रकार से यह प्रधान प्रधान लोग प्रकट हुए। गंधर्वराज ही धृतराष्ट्र के रूप में प्रकट हुए और जो है पांडु महान धर्मनिष्ठ हैं, पांडु भी प्रकट हुए और साक्षात धर्म के अंश से युधिष्ठिर प्रकट हुए, वायु के अंश से भीमसेन प्रकट हुए, इंद्र के अंश से अर्जुन प्रकट हुए और अश्विनी कुमारों के अंश से माद्री के द्वारा नकुल और सहदेव प्रकट हुए। इस प्रकार से यह पवित्र महापुरुषों के आविर्भाव का निरूपण है। और दुर्योधन कलयुग का अवतार है और शकुनी द्वापर का अवतार है, कलयुग और द्वापर की मैत्री, इन्होंने मिलकर के ही विनाश का जो ताना बाना है इन्हीं ने रचा। इसके जितने भाई हैं वो सब राक्षसों के ही अंशावतार हैं, ये सब असुर हैं। चंद्रमा ने कहा कि मैं अपने पुत्र को बहुत अधिक समय तक धरती पर नहीं भेज सकता। कितने साल के लिए भेजोगे? बोले केवल 16 साल। अभिमन्यु सुभद्रा के गर्भ से प्रकट हुए और केवल 16 वर्ष की, इनकी 16 वर्ष की आयु में ही महाभारत का युद्ध हो गया और चक्रव्यूह का भेदन करते हुए अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हुए। ऐसा इनका बड़ा पवित्र चरित्र है। शिखंडी राक्षस ही शिखंडी के रूप में प्रकट हुआ, यक्ष ही शिखंडी के रूप में प्रकट हुआ और इस धरती के जीवों का परम कल्याण करने के लिए साक्षात भगवान श्री हरि श्री नारायण ही भगवान श्री कृष्ण के रूप में प्रकट हुए। अनुग्रहार्थम लोकानाम विष्णुर्लोक नमस्कृतः वसुदेवा तु देवक्याम प्रादुर्भूतो महायशाः। साक्षात भगवान ही वसुदेव देवकी के गर्भ से प्रकट हुए। देवासुर संग्राम में जो असुर मारे गए थे उन असुरों ने क्षत्रियों के कुलों में जन्म ले लिया था। ये सब असुर ही थे, क्षत्रियों के कुल में जन्म लेकर भयंकर पाप करने लगे थे। उनके पाप के भार से पृथ्वी पीड़ित हो गई और ब्रह्मा जी की शरण में गई। ब्रह्मा जी ने भगवान की प्रार्थना की, भगवान ने नरनारायण रूप में प्रकट होने का आश्वासन दिया। नरावतार अर्जुन हैं और नारायण अवतार साक्षात भगवान श्री कृष्ण हैं। इन दोनों के द्वारा भूभार का हरण किया गया। इस प्रकार से यह इनके अवतरण का इतिहास हुआ। अपनी अपनी इच्छा के अनुसार सबने जन्म ग्रहण किया है और ये देवासुर संग्राम, महाभारत का युद्ध भी एक प्रकार से देवासुर संग्राम ही है, क्योंकि एक तरफ भगवान नारायण हैं, देवता हैं, और दूसरी तरफ असुर हैं। इस तरह से यह भी एक देवासुर संग्राम ही था। मरीचि आदि महर्षियों के वंश का भी बड़ा विस्तार से वर्णन है। अदिति के पुत्र देवता किस प्रकार से हुए इसका वर्णन है और इसके बाद दक्ष कन्याओं का जो बड़ा पवित्र वंश हुआ उस दक्ष कन्याओं के वंश का वर्णन है। इन दक्ष कन्याओं में जो है गो माताएं प्रकट हुई हैं, इन सब का भी वर्णन है। यहाँ एक विशेष बात है, हम चाहते हैं कि इसको बहुत ध्यान दे करके सुना जाए। ये महाभारत के संभव पर्व के अंतर्गत 65वें अध्याय का श्लोक है। प्रायः इस प्रकार के वाक्यों पर ध्यान कम जाया करता है, लेकिन मूल ग्रंथ के पारायण से यह लाभ होता है कि उसमें ऐसे विशिष्ट स्थलों पर ध्यान
रह जाता है। बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है, क्योंकि हम लोग किसी भी प्रकार से प्रत्येक प्राणी के भीतर गो भक्ति की प्रतिष्ठा करना चाहते हैं। जब तक सभी के भीतर गो भक्ति की प्रतिष्ठा नहीं होगी, गो उपासक सब लोग नहीं बनेंगे, तब तक भारतवर्ष की वास्तविक उन्नति संभव नहीं है, तब तक इसका चारित्रिक विकास संभव नहीं है, तब तक भारत अपने भारत के स्वरूप में प्रस्तुत होगा यह संभव नहीं है। यहाँ एक विशेष बात कह रहे हैं व्यास जी, अमृतम ब्राह्मणाः गावो गंधर्वाप्सरसस्तथा अपत्यम कपिलायास्तु पुराणे परिकीर्तितम्। सुरभि की ही पुत्री हुई कपिला, कपिला गाय, और कपिला की संतान कौन कौन है, बोले अमृत भी कपिला की संतान है, अर्थात अमृत गाय से ही प्रकट हुआ। इसका तात्पर्य है भारतीय देसी गाय के मूत्र में अमृत है, गोमय में अमृत है, दूध में अमृत है, दही में अमृत है, घी में अमृत है, उसके रोम रोम में अमृत है। अमृत तत्व कपिला गाय से ही प्रकट हुआ, व्यासी लिख रहे हैं। अमृत की उत्पत्ति गाय से है,